Hello and welcome to 30 days vocabulary improvement series, and this is day 2, and in this video you will learn phrasal verbs to improve your vocabulary or to build your vocabulary. You must subscribe my channel and share this video with others because this is really going to help you to improve your vocabulary. So first is blow out, jiska matlab hota hai bujhana, yani ki phunk markar bujhana, theek hai. Next, deliver from, यानी किसी चीज़ से छुटकारा पाना या बचना या बचाना. ओके, नेक्स्ट काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा रखना, किसी के ऊपर आप अगर भरोसा रख रहे हैं दैट मीन्स यू आर काउंटिंग ऑन हिम. ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज कट ऑफ, यानी कि बीच में रोकना या रोक लगाना जब आप बात कर रहे हो, ठीक है, या आपकी बात को काट देना. अगला है कट इन, जिसका मतलब होता है बीच में बोल पड़ना, जब दो लोग बात कर रहे हों उसमें किसी का बोल पड़ना तो उसको हम कहते हैं कट इन. ओके, अगला है कट आउट, यानी कि निकाल देना, बाहर निकाल देना, भेज देना. ओके, नेक्स्ट इज फिगर ऑन का मतलब अंदाज़ा लगाना, ठीक है, या फिर अपेक्षा करना, फिगर ऑन. नेक्स्ट इज बीट बैक, यानी कि पीछे हट जाना, किसी बात से आप वादा करके पीछे हट जाना, ठीक है, बीट बैक. अगला है बर्न डाउन, यानी कि जलाकर ख़त्म कर देना, नाश कर देना, नष्ट कर देना, या जलकर ख़त्म हो जाना, ठीक है, बर्न डाउन. अगला कम टू का मतलब होश में आना, कम टू होश में आना. नेक्स्ट इज कुकअप का मतलब मनगढ़ंत बातें बनाना, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना, कुकअप. ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, रद्द करना, कॉल ऑफ. अगला कैचअप, यानी कि किसी के बराबर पहुंच जाना, किसी के बराबरी में आ जाना, ठीक है. नेक्स्ट फ्रेज इज कैच ऑन का मतलब समझ में आना, कोई बात अगर आपको समझ में आ रही है दैट मीन्स यू आर कैचिंग ऑन. ओके, नेक्स्ट चेकअप, यानी कि पता लगाना या जाँच करना कि क्या हुआ है, चेकअप. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट फ्रेज इज कट डाउन का मतलब मात्रा कम करना, जैसे कि मैं चीनी कम कर रही हूँ, आई एम कटिंग डाउन ऑन शुगर. ओके, नेक्स्ट डैश ऑफ, यानी कि कहीं जल्दी से चले जाना, जल्दबाजी में कहीं चले जाना, डैश ऑफ. नेक्स्ट फ्रेज फॉल ऑन, यानी कि हमला करना, ठीक है, फॉल ऑन, हमला करना. नेक्स्ट फ्रेज इज फेल इन, यानी कि कतार में खड़े होना, टू बी इन क्यू, टू स्टैंड इन क्यू. ओके, नेक्स्ट इज फॉल आउट, यानी कि झगड़ा करना, किसी से झगड़ जाना, फॉल आउट. नेक्स्ट फ्रेज इज फील लाइक, यानी कि इच्छा करना, मन करना, आई एम फीलिंग लाइक हैविंग एन आइसक्रीम, ठीक है, मेरा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का. नेक्स्ट ड्रॉप आउट, यानी कि छोड़ देना, ठीक है, किसी चीज़ को हाथ से छोड़ देना उसको हम कहते हैं ड्रॉप आउट. नेक्स्ट फिक्स अप, यानी कि मरम्मत करना, किसी चीज़ को फिक्स करना, मरम्मत करना, टूटी चीज़ों को जोड़ना, बनाना. नेक्स्ट इज लीव आउट, यानी कि छोड़ देना, किसी को अकेला छोड़ देना या किसी को छोड़ देना उसके हालात पे, लीव आउट. अगला लीव अलोन, साथ छोड़ना, आप किसी का साथ छोड़ रहे हैं, उसको अकेला छोड़ रहे हैं, उसको आप कहेंगे लीव अलोन, लीव मी अलोन, यानी कि मुझे अकेला छोड़ दो. अगला है लेट ऑफ, इसका मतलब भी होता है छोड़ देना, जाने दो उसको. नेक्स्ट इज लेट आउट का मतलब किराए पर देना, किसी चीज़ को किराए पर देना. आपने देखा होगा जो भी घर किराए पे होते हैं वहाँ लिखा होता है टू लेट, यानी कि किराए पर देने के लिए घर है ये या शॉप है. अगला लुक फॉर, यानी कि ढूंढना, अगर आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं दैट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर समथिंग. ओके, अगला लुक आउट, यानी कि सावधान रहना, सावधान रहना, लुक आउट. नेक्स्ट फ्रेज इज मेक रूम, यानी कि जगह बनाना, किसी के लिए स्पेस बनाना, किसी के लिए जगह तैयार करना. ओके, मेक रूम. नेक्स्ट फ्रेज इज मेक मैरी, यानी कि मौज करना, मौज मनाना, आनंद में रहना, खुश रहना, मैरी मतलब होता है आनंद या खुश. ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज पिक आउट, यानी कि चुनना, कोई चीज़ पसंद करना, बहुत सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ पसंद करना, चुनना, पिक आउट. ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज पे अटेंशन, यानी कि ध्यान देना, आप कहीं ध्यान दे रहे हैं दैट मीन्स यू आर पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स. ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज पे ऑफ, यानी कि हिसाब चुका देना, यानी आपका पूरा का पूरा पैसे चुका देना, पूरा हिसाब क्लियर कर देना. ओके, अगला प्ले ऑन, यानी कि बजाना, किसी म्यूजिक वगैरह का बजाना, उसको हम कहते हैं प्ले ऑन, बजाना. नेक्स्ट पुट अवे,
यानी किसी सही स्थान पर रख देना, किसी सही जगह पर रख देना किसी सामान को, उसको हम कहते हैं पुट अवे। ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज सर्च आउट, यानी कि ढूंढ निकालना। कोई चीज़ आपने ढूंढ निकाली, दैट मीन्स यू हैव सर्च्ड इट आउट। ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज सी ऑफ, यानी कि विदा करना। जाते वक्त किसी को छोड़ कर आना, उसको हम कहते हैं विदा करना, यानी कि सी ऑफ। ओके, नेक्स्ट फ्रेज सिट आउट का मतलब समाप्त होने तक, या फिर कोई चीज़ ख़त्म होने तक, कोई मीटिंग ख़त्म होने तक बैठे रहना। ओके, सिट आउट। नेक्स्ट फ्रेज इज स्लीप ऑफ, मतलब सोकर ताजगी प्राप्त करना। ठीक है, सो कर उठने के बाद जब आप बहुत ताज़ा फील करते हैं, दैट मीन्स यू स्लिप्ड ऑफ। नेक्स्ट इज स्टॉप शॉट, यानी कि अचानक रुक जाना, अचानक ही रुक जाना, स्टॉप शॉट। ओके, अगला टेक ऑफ, यानी कि कपड़े उतारना या फिर जूते उतारना, कोई चीज़ आपके शरीर पर से उतारना, टेक ऑफ। ओके, नेक्स्ट इज थिंक ऑफ, यानी कि आपकी राय, आप क्या सोचते हैं, व्हाट यू थिंक ऑफ, आपकी राय क्या है, राय होना। ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज ट्राई ऑन का मतलब पहनकर देखना कि वो आप पर कपड़ा जच रहा है या नहीं। ओके, ट्राई ऑन पहनकर देखना। नेक्स्ट फ्रेज इज टर्न बैक, यानी कि पीछे हटना या किसी चीज़ को पीछे हटाना, टर्न बैक। ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज टर्न डाउन, यानी किसी चीज़ से या किसी का इनकार करना, मना करना। ठीक है, टर्न डाउन इनकार करना। नेक्स्ट फ्रेज इज टर्न ऑन, यानी कि चालू करना, किसी पंखे का या किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ का चालू करना, उसको हम कहते हैं टर्न ऑन। नेक्स्ट इज विंक एट, यानी कि अनदेखी करना, आप किसी की अनदेखी करें, दैट मीन्स यू आर विंकिंग एट। अगला वाइंड अप, यानी कि ख़त्म कर देना या बंद हो जाना या किसी काम का ख़त्म हो जाना, वाइंड अप, सब पैक कर लो। ओके, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इज वेट फॉर, किसी का इंतज़ार करना या किसी के इंतज़ार में रहना, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, अगला वॉच ओवर का मतलब निगरानी करना, वॉच ओवर निगरानी करना। नेक्स्ट वॉश आउट, यानी कि धोकर निकाल देना, किसी दाग या धब्बे का हटा देना, धोकर निकाल देना, यानी कि वॉश आउट कर देना। अगला यूज़ टू, आदत डालना, यूज़ टू आदत डालना। नेक्स्ट इज टॉक बैक, यानी कि बेअदबी से जवाब देना या फिर उल्टा जवाब देना, ठीक है, बदतमीज़ी से बात करना, ठीक है, टॉक बैक। अगला टेल ऑन, यानी कि चुगली करना, किसी की चुगली करना, टेल ऑन। ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज स्यू फोर, यानी कि न्यायालय में हक मांगना। ठीक है, हम बोलते हैं ना आई विल स्यू यू, इसका मतलब मैं तुम्हें अदालत में देख लूँगा। नेक्स्ट इज स्टे विद, यानी कि किसी के साथ रहना, स्टे विद, आई एम स्टेइंग विद माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के साथ रह रही हूँ। ओके, नेक्स्ट स्टे अप, यानी कि रुके रहना, वेट करना, वहीं रहना, ठीक है, स्टे अप। नेक्स्ट स्टेप अप का मतलब गति बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना, ठीक है, स्टेप अप। नेक्स्ट स्टिक एट, यानी कि हिचकिचाना, किसी बात को बोलने से हिचकिचाना, इज स्टिकिंग एट। ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज रन डाउन, यानी कि किसी को नीचा दिखाना, किसी को छोटा दिखाना, रन डाउन, नीचा दिखाना। ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज रन आफ्टर, यानी कि किसी के पीछे दौड़ना, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना। ओके, रन आफ्टर। नेक्स्ट रन आउट, यानी कि ख़त्म होना, ठीक है, किसी चीज़ का ख़त्म आना होना, यानी कि यू आर रनिंग आउट ऑफ दैट। नेक्स्ट इज रन ओवर, यानी कि गाड़ी के नीचे आ जाना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आप गाड़ी के नीचे नहीं आ गए, गाड़ी आपके ऊपर चली गई। ओके, अगला रन शॉर्ट ऑफ, यानी कि ख़त्म हो गया, कोई सामान आपके घर में ख़त्म हो गया, दैट मीन्स यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ दैट थिंग। ओके, नेक्स्ट इज रेल एट का मतलब शिकायत करना, किसी की शिकायत लगाना, उसको हम बोलते हैं रेल एट। नेक्स्ट फ्रेज इज पुट अप, यानी कि रहना, किसी जगह निवास करना, आप जिस जगह में रहते हैं उस एरिया में या उस जगह में आप पुट अप करते हैं। ओके, नेक्स्ट पुट राइट, यानी कि मरम्मत करना, कि कोई टूटी फूटी चीज़ की मरम्मत करना, पुट राइट। नेक्स्ट फ्रेज इज रिफ्लेक्ट टू का मतलब बुरा प्रभाव पड़ना, ठीक है, किसी चीज़ का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, दैट मीन्स वो उसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज रैंक विद, यानी कि समान होना, सेम रैंक में आना, ठीक है, फर्स्ट रैंक टू फर्स्ट रैंक, सेकेंड टू सेकेंड। ओके, नेक्स्ट मिक्सअप, यानी कि गड़बड़ घोटाला करना, सब गड़बड़ी कर देना, मिक्सअप कर देना एवरीथिंग। नेक्स्ट फ्रेज इज मेकअप, यानी कि बनाना, रचना, गढ़ना, मेकअप करके सुंदर बना देना, अच्छा बना देना, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे मेकअप मीन्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, आई होप यू मस्ट हैव फाउंड समथिंग न्यू एंड यू हैव लर्न समथिंग न्यू।
टू लर्न मोर डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद अदर्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.